पंजाब भर में पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से आज पंजाब भर के मेडिकल स्टोर बंद करने का आह्वान किया गया है, जिसके चलते मरीजों में हड़कंप मच गया है। जिसके चलते फरीदकोट में गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रहे मरीजों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर पंजाब भर से मरीज इलाज करवाने के लिए आते हैं। मेडिकल कॉलेज के साथ यहाँ दवाइयों की जरूरत और भी ज्यादा पड़ती है। दवाई विक्रेता उनसे संबंधित विभाग के अलावा अन्य विभागों की तरफ से कार्रवाई करने से नाराज हैं। उनका कहना है कि जब उनसे संबंधित विभाग है तो दूसरे कर्मचारी उनमें दखल क्यों देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि सरकार ड्रग्स के नाम पर बेवजह उन्हें बदनाम कर रही है, जबकि ये वे हरगिज नहीं होने देंगे तो जो सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है उसे तुरंत बंद करवाया जाए। आज पूरे पंजाब भर में केमिस्टों द्वारा एक रोष प्रकट करते हुए पूरे पंजाब में बंद का आह्वान किया गया है, क्योंकि सरकार की और कुछ अफसरों की और पुलिस अफसरों की दखलअंदाजी से केमिस्ट काफ़ी देर से परेशान है। और जो पंजाब सरकार की ये शिकायत केमिस्टों से है कि वह नशा बेचते हैं, पहली बात तो ये है कि जो केमिस्ट हैं वो चिट्टे जैसा नशा नहीं बेचते हैं, जो कि पंजाब भर में पूरे चरम सीमा पे है। केमिस्टों को सिर्फ बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, साथ ही साथ केमिस्टों की ये मांग है कि ये जो ऑनलाइन केमिस्ट ऑनलाइन फार्मेसीज का जो एक पोर्टल बनाया गया है उसको बंद किया जाए, क्योंकि ये जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स की जो पूर्ति है वो वहीं से होती है, ना कि केमिस्टों द्वारा की जाती है। और जितना पंजाब के लोगों में नशे के प्रति रोष है, उतना ही केमिस्टों के दिलों में भी नशे के प्रति रोष है। और यही हमारी मांग है कि केमिस्टों को परेशान ना किया जाए, और अगर सरकार ने इन बातों पर विचार ना किया तो यह संघर्ष पूरे हिंदुस्तान में किया जाएगा और किसी के केमिस्टों को बदनाम करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस मौके पर दवा लेने आए लोगों ने बताया कि वह दूर से इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन उन्हें दवाई नहीं मिल रही, जिस कारण वे काफी परेशान है। समान नहीं मिला, डायलिसिस करवाना सीगा जी, मेडिकल जो साडा इलाज चलता जी, सानू परेशानी सरकार नू चाहिए, इन्हां दी मंगा मनिया जाण ते पब्लिक खराब ना होए। कोई भी नहीं खुली, कोई विरली खुली है नहीं, तकरीबन सारियां बंद आ। जीत सिंह फरीदकोट, जो कि मेडिकल के सामने दुकाना तो दवाई लैन वास्ते आए सी, टोटल तकरीबन सारिया दुकाना बंद ने, परेशानी बहुत आती है, इस करके दुकाना का कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए भी दुकाना क्यों बंद कीतिया ने। प्रशासन इतने आवे, वेखे आके भी क्यों दुकाना बंद ने, दुकाना वाले पूछा जाए भी क्यों बंद ने, यदा मसला हल होना चाहिए। मरीज ने जोड़े परेशान होंगे ने, आ मेरे को शीशी दवाई दी है, मैं जो कि रोटी खा के लेनी होंगी है, दवाई मुकी है, हूँ मैं रोटी खा के लूँगा की। अपना पेशेंट से एमरजेंसी के सारिया जी 16-17 दुकाना है, सारिया बंद ने, अज बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है जी। इन्हों पता नहीं, कहते भी नशा चलता जी, इन्हों तंग करते ने, मैं पूछा से इन्हों, वह कहें इस करके मतलब बंद ने, सानू भी तंग परेशानी है, पर सानू भी बहुत परेशानी हो रही है, मतलब साडे मरीज से अंदर हम दवाई लैन से सानू दिक्कत बहुत आऊगी इस चीज़ की। मंग जी है भी ये तो बहुत बड़ी समस्या है, मतलब नॉर्मल मेडिसिन लैनी होंगी है वह भी सामने मिलती, हूँ काम कोई होर करते ने, बदनाम तो रहे होंगे ने मेडिकल वाले। जागती लहर के लिए फरीदकोट से गुरजीत रोमाना की रिपोर्ट।